मैं डॉक्टर फहीमा, प्रोफेसर मारवाड़ी कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी रांची। हमारी प्यारी बच्चियों अदाबस। आज मैं आप लोगों को इकबाल मजीद की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा बताऊंगी, जो मैंने इससे पहले क्लास में आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और इसे आप बगौर सुनेंगी समझेंगी इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी, ठीक है। तो शुरू किया जाए। एक तरह से आप लोग को सवाल भी दिया जाएगा कि इकबाल मजीद की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा लें, तो उसका आप जवाब भी दे सकती हैं और इसमें वो उसके तनकीदी नज़रिया को भी पेश कर सकती हैं, ठीक है। इकबाल मजीद का शुमार अहद जदीद के नामूर अफसाना निगारों में होता है। इनके मौजूआत में तनवो और तकनीक में अनोखे तजुर्बात नज़र आते हैं, समझ गई। इनके मुशाहदा और मतलब की गहराई, फ़नी चाबुक दस्ती और कहानी कहने का फ़न इनके अफसानों को हुस्न व बाकपन अता करता है। मौजू की मुनासबत से वो तकनीक अख्तियार करते हैं और मौजू व तकनीक की हम आहंगी पर पूरी तवज्जो देते हैं और फिर अपने मखसूस नर्म रवा दवा मलायम और लतीफ़ अंदाज में अफसाना पेश कर देते हैं। वो ना लफ्जी बाजी गरी दिखाई देते हैं, ना ही चर्ब जबानी से काम लेते हैं। इकबाल मजीद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जदीदियत की तहरीक ने नए अफसाने में जो इंसानियत पैदा कर दी है, उन्होंने ख़ुद को इस इंसानियत से बचाए रखा है और उनके अफसाने में हमें कहीं भी इंसानियत का एहसास नहीं होता है, समझ गए। दो भीगे हुए लोग हों या हलीफा बयान हो, शहर बदनसीब हो या तमाशा घर के अफसाने हर जगह हमें असरी हसीयत, तकनीकी तनवो, असलूब की नुदरत, वाक़ियात के बयान में मंतकी रब्त और कहानीपन पूरी तरह मौजूद होता है, समझ गई। और शायद इसी से आम कारी का तजस्सुस अज अव्वल ता आखिर कायम रहता है। दो भीगे हुए लोग इकबाल मजीद के अफसाने में संग मील की हैसियत रखते हैं। दो अजनबी बारिश की वजह से छत के नीचे घर गिर जाते हैं। दोनों के अंदाज़ फ़िक्र में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक वहाँ से भीगता हुआ निकल जाना चाहता है और दूसरे इसके साथ जाना नहीं चाहता। वो भीगना नहीं चाहता। न जाने उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे वो बचाना चाहता है, इसलिए वो पहले आदमी की पेशकश ठुकरा देता है, समझ गए। इकबाल मजीद पेट का किचुआ, बैसाखी, आग, संग, थकन और शोकेस, फ़र्द और तहजीबी अकदार को लेकर ये अफसाने लिखे हैं और उनके अच्छे और कामयाब अफसाने कहे जा सकते हैं। इकबाल मजीद यूं तो ज़बान का रवायती इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो अंग्रेज़ी अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इनके दो मानी अल्फाज और इबारत और जुमलों और पैराग्राफों की तकरार से भी अफसानों में दिलकशी पैदा होती है। इनके यहाँ तल्ख हकायक के बयान में भरपूर तंज भी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं इनका ये तंज ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और आबे रवा में संग गिरा महसूस होता है। इकबाल मजीद जानवरों और कीड़ों मकोड़ों और परिंदों को भी अपने अफसानों का मरकजी किरदार बना देते हैं और इसके तवस्सुत से पूरी एक कहानी बल्कि अपनी पूरी बात कह जाते हैं। हलीफा बयान में एक कीड़े ही के ज़रिया उन्होंने बताया कि जब खौफ जारह बन जाता है तो वो एक क़ुव्वत बन जाता है और उसी क़ुव्वत के बल पर मुल्कों को आज़ादी मिलती है। इकबाल मजीद की फ़नी महारत तवील अफसानों में कुछ ज़्यादा ही नुमाया होती है। मसलन जंगल कट रहे हैं, समझ गई। तीन हिस्सों में फैली हुई कहानियां हैं और हर हिस्सा अपनी जगह मुकम्मल इकाई कहा जा सकता है। गरज पेट का किचुआ हो या हलीफा बयान का हकीर कीड़ा, हाईवे का दरख्त का मजलूम आदमी हो या दो भीगे हुए लोग, इकबाल मजीद अपने किरदारों की जहनी कशमकश के ज़रिए कामयाबी से वो सब कुछ कह जाते हैं जो उन्हें कहना होता है। जदीदियत की तहरीक के खसोखाश से इकबाल मजीद ने अपने अफसानों को बचा रखा है और अफसाना निगारी की रवायत में अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाया है, समझ गए। इस तरह से इकबाल मजीद ने सुकून की नींद में बहुत सारी बातें कहीं और इस तरह से बहुत सारे उन्होंने अफसाना लिखे,
ठीक है, तब अगली क्लास में मैं और भी बातें आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। ला हाफिज़।